सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। ये वीडियो आप सभी नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसका कारण ये है कि जब हम नीट 21 या फिर जैसे कोई भी नीट का एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो उस टाइम हमें सर्टिफिकेट वगैरह या फिर उसके जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एंड पिछली बार नीट 2020 में भी मेरे पास बहुत से मैसेजेस आए थे, लास्ट टाइम तक मैसेजेस आए थे कि भैया मेरे पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं नीट का फॉर्म नहीं भर सकता। तो इस प्रकार की परेशानी से बचने के लिए मैं आपको पहले एक डिटेल में वीडियो दे रहा हूँ कि आपको नीट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स को आप अभी से तैयार कर सकें और आपका रजिस्ट्रेशन करने में ज़्यादा दिन जो है वो ख़राब ना हो, एक दिन में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली रहने वाली है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी एंड आपकी नीट 2021 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से स्टार्ट होने वाले है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप नीट 2021 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जहाँ पर आपको पेड कोर्सेज के अलावा भी बहुत सारी ऐसी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी जिससे कि आप अपने नीट 2021 की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन गाइज, जैसे ही आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर जाते हैं और किसी भी फ्री क्लासेस को ओपन करते हैं तो आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाता है। उस रेफरल कोड की जगह आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है PAWANJO, पवन जेओ लगाएंगे तो आपको वो क्लासेस जो है वो फ्री में देखने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि एक क्लास में आपको बताता हूँ, लेट्स प्रिपेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप SKC सर के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको डिटेल में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी और उस साथ साथ उसका रिवीजन भी मिलेगा। रिवीजन के साथ साथ इसके कुछ MCQs भी मिलेंगे जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये जो क्लासेस है वो 19th of December सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो रही है एंड इसको ज्वाइन करके आप अपनी नीट 2021 की जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, एंड अब हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, कोई कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अपने नीट 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर, ठीक है, आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आप तब तक चलना चाहिए जब तक कि आपकी काउंसलिंग नहीं कंप्लीट हो जाती। ठीक है, तब तक आपका मोबाइल नंबर जो है वो चलना चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आपके मदर, फादर, भैया, बहन, किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी भी आपकी ऑफिशियल होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए जो कि आपकी पर्सनल हो और जो हमेशा आप यूज़ करते हैं, बिकॉज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपका OTP भी आएगा एंड आपके यूज़र नेम और पासवर्ड भी आएंगे, जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेशली OTP के बिना आप अपने फॉर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी आप इनको संभाल के रख लीजिएगा। ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी बना लीजिएगा एंड मे बी सबके पास ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होगा। थर्ड आपका आता है आधार कार्ड। किसी के पास मे बी ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो अभी से बना लीजिए, आधार कार्ड के बिना आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। फोर्थ आपका आता है क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनिएगा, क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे, तो दोनों संभाल के रखिएगा। उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, 8 से 10 फ़ोटो बनवा लीजिएगा ताकि वो फ़ोटो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त भी काम आए, आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आपके जब एडमिट कार्ड पे फ़ोटो लगेगी उस वक्त भी काम आए और आपकी जब काउंसलिंग हो उस वक्त भी काम आए। तो 8 से 16 फ़ोटोज़ आप अभी से वो बनवा के रख लीजिएगा ताकि बाद में आपको फिर भटकना ना पड़े कि मैं कौन सी फ़ोटो यूज़ करूँ। तो 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ प्लस एक पोस्ट कार्ड साइज़, ठीक है, दोनों अलग अलग है, पासपोर्ट साइज़ भी और पोस्ट कार्ड साइज़ भी, दोनों फ़ोटोज़ आपको बनानी है। पोस्ट कार्ड साइज़ आप 8 फ़ोटो ही बनवा लीजिएगा, लेकिन पासपोर्ट साइज़ 16 फ़ोटोज़ बनवा लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है,
उसके बाद आपके सिग्नेचर होंगे जो कि आपके अपलोड होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगने वाला है। बाकी के जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मिले लगेंगे, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन के टाइम सिर्फ और सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इनमें से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो आप अभी से तैयार करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही अपनी डॉक्यूमेंट्स की। अब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होने वाले हैं, जेई की एग्जाम डेट आ चुकी है 22 दिसंबर को शाम 4 बजे एजुकेशन मिनिस्टर लाइव आने वाले हैं। लाइव आके सीबीएसई की जो एग्जाम डेट्स है और अपकमिंग जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी एग्जाम डेट अनाउंस की जाएगी। एंड जैसे ही उनकी एग्जाम डेट्स अनाउंस की जाती है तो सीबीएसई की एग्जाम डेट एंड जेई की एग्जाम डेट दोनों को मद्देनजर रखते हुए नीट 2021 की भी एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। एंड जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आ जाएगा और इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में पूरी डिटेल्स अपने को मिल जाएगी, कब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक चलेंगे, सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम डेट रहेगी, पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेनेशन वहां पर आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और अपनी प्रिपरेशन पर कंटिन्यू करना है, ठीक है गाइज। बाकी पल पल का अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी वो चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय बाय।